सो गाइस यहाँ पर आपको पर रेफर पे 101 रुपीज तक के मिलेगा और पेमेंट एकदम इंस्टेंटली प्रूफ देख सकते हो यहाँ पर विड्रॉल में सबमिट किया, ऊपर से पेटीएम से नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपके पेटीएम अकाउंट में पैसा दे दिया गया है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हर एक रेफर पे आपको फ्लैट 101 रुपीज दिया जाएगा। हाँ, और एक बात गाइस, यहाँ पर एक रेफर करने के लिए आपको जो खर्च करना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज, तो आपको पर अकाउंट पे जो फायदा होगा वो यहाँ पर 100 रुपीज करके फ्लैट फायदा होगा, उसका भी तरीका आगे बताऊंगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, आपको हर एक चीजें क्लियर हो जाएगी। और उससे पहले बता दूं, आगे ऐसे ही ट्रस्टेड वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर टैप करके जुड़ रह सकते हो हमारे साथ। अगर आपने अभी तक ऑफर क्लेम टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो, वहाँ पर मैं वेरीफाइड एप्लीकेशन के साथ साथ ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहता हूँ, और वहाँ गाइस उसके साथ साथ कैंपेन भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो मस्ट ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी वो एप्लीकेशन है, देख सकते हो यहाँ पर माई 11 सर्कल वो एप्लीकेशन है, इसमें रेफरल ऑफर जो अपडेट हुआ है हाल ही में। तो गाइस देख सकते हो एक बंदे को रेफर करो और 101 रुपीज कमा के ले जाओ, और एक बंदे को रेफर करो जो बंदा फर्स्ट टाइम में जाकर गेम में पार्टिसिपेट करेगा, 1 रुपीज दे के वो बंदा गेम में ज्वाइन कर पाएगा और उसके लिए आपको 101 रुपीज मिलेगा। तो मैं WhatsApp के थ्रू ये जो लिंक है किसी और के पास सेंड कर दे रहा हूँ, वो बंदा जब भी सक्सेसफुली मेरे लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा और अकाउंट बनाएगा उसमें, और अकाउंट बनाने के बाद फर्स्ट बार 1 रुपीज दे के सिंपली पार्टिसिपेट करेगा किसी गेम में, तो उसके लिए मुझे जो यहाँ पर 101 रुपीज दिया जाएगा, और वो बंदा ज्वाइन करेगा इसके लिए आपको पर गेम में बोनस दिया जाएगा up to 1500 रुपीज। तो उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूँ किसी के इनवाइट लिंक से आकर। तो यहाँ पर सबसे पहले हैव ए इनवाइट कोड पूछ रहा है, तो मेरे पास इनवाइट कोड पहले से ही है, अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या तो कमेंट बॉक्स में दोनों जगह से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पर इनवाइट कोड, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर में OTP यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या तो मैन्युअली देकर वेरीफाई कर लो। OTP वेरीफाई करने के बाद एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस अपने सामने खुल जाएगा। खुल जाने के बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन पर टैप करो, अकाउंट सेक्शन में क्लिक करो। अगर आप किसी को बहुत बंदे को इनवाइट किए हो और आपका यहाँ पर यूज़र नेम मिसमैच हो रहा है, तो अब यहाँ पर जाकर कुछ सेटिंग कर सकते हो, यहाँ पर यूज़र नेम चेंज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ऑफर ट्रैक लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद लिखने के बाद क्या हुआ गाइस, जब भी मैं जिस फ़ोन से इनवाइट किया हूँ उस फोन में रिमाइंडर ऑप्शन में जाके मैं चेक कर पाऊँगा कि सक्सेसफुली इनवाइट हुआ कि नहीं। अगर हुआ तो कंफर्म हो जाऊंगा कि सक्सेसफुली इनवाइट हो चुका है, अब जाकर मुझे जस्ट गेम में ज्वाइन कर लेना है। तो गाइस मैं उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेता हूँ, आप भी कर लेना। अगर आप फेक अकाउंट क्रिएट करते हो तो ईमेल आईडी यूजर नेम वगैरह कुछ भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके मेन अकाउंट पर ये चीज़ करके रखो। उसके बाद बताएगा कि आपके ईमेल पे हम लोगों की तरफ से एक वेरीफिकेशन लिंक गया है, तो सीधा लिंक पे टैप करो, एप्लीकेशन ओपन कर लो, तो बताएगा कि आपका क्रोम से वेरीफाई कर लेना, तो बताएगा कि आपका ईमेल जो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। देख सकते हो गाइस यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चीज़ें वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद हमें करना क्या है, सिंपली गेम में ज्वाइन कर लेना है, और हमारे पास तो 1 रुपीज़ नहीं है गेम में ज्वाइन करने के लिए, 1 रुपीज़ चाहिए, तो 1 रुपीज़ चाहिए, तो हमको सिंपली यहाँ पर पैसा ऐड करना होगा। तो यहाँ पर किसी किसी अकाउंट में यहाँ पर 25 रुपीज़ ऐड करने के लिए दिखाता है, किसी किसी अकाउंट में यहाँ पर मिनिमम ऐड मनी जो है वो 50 रुपीज़ दिखाता है। तो या तो आप 25 रुपीज़ ऐड मनी करो या तो 50 रुपीज़ ऐड मनी करो, आपको सिर्फ और सिर्फ खर्च करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज़ आपको खर्च करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पर 101 रुपीज़ दिया जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर जो ऐड मनी है वो यहाँ पर 50 रुपीज़ कर लेता हूँ। आप ऐड मनी जो है वो किसी से भी कर सकते हो, यहाँ पर जाकर यहाँ पर पेटीएम से, फ़ोनपे से, गूगल पे से, तो मैं यहाँ पर फ़ोनपे से ही ऐड मनी कर रहा हूँ। आप भी जहाँ मर्जी वहाँ से ऐड मनी कीजिएगा, आपको खर्च सिर्फ 1 रुपीज़ करना पड़ेगा। ऐड मनी में 50 रुपीज़ कर रहा हूँ, खर्च मैं सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज़ करूँगा। तो देख सकते हो पेमेंट जो है वो कि सक्सेसफुल हो चुका है, और एप्लीकेशन में बता रहा कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो आपका नहीं भी है तो येस कर देना, नहीं तो पैसा ऐड नहीं होगा। उसके बाद आपका पिन कोड दिखाएगा, उसके बाद कंफर्म पे टैप करो, ऐड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद होम पेज में अपकमिंग में बहुत सारा गेम दिखाएगा कि यहाँ पर किस गेम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो मैं किसी एक गेम को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। और उसके बाद आपको बताएगा कि गेम में ज्वाइन करने से पहले आपको टीम बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर 1 रुपीज़ वाला गेम, तो 1 रुपीज़ वाला गेम में सिलेक्ट कर लिया। उसका बता रहा है कि टीम सिलेक्ट करो, तो मैं किसी को भी यहाँ पर विकेट कीपर, उसके बाद बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर, ये सभी चीज़ें सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको पता ही है फैंटेसी एप्लीकेशन के बारे में, तब तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। नहीं पता है तो कोई भी किसी तरह टीम बना लो, और टीम बनाने के बाद यहाँ पर किसी को एक को वाइस कैप्टन, किसी एक को कैप्टन चूज कर लो, और उसके बाद टीम को सेव कर दो। सेव जब आप सक्सेसफुली कर लेंगे तो आपका टीम जो है वो कि सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब इस टीम को यूज़ करके गेम में 1 रुपीज़ अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आप यहाँ पर up to 70,000 रुपीज़ भी जीत पाएंगे। जीते हारे वो आपके ऊपर और लक के ऊपर डिपेंड करेगा गाइस। लेकिन गाइस इसको जो ज्वाइन करने का जो पैसा है वो तो हमें इनवाइट सेक्शन में जाकर मिल गया है। ये जो मैंने 1 रुपीज़ देकर ज्वाइन किया तो अब मेरा लक अच्छा होगा, तो मैं यहाँ पर up to 70,000 भी जीत सकता हूँ। अगर वो मेरे टीम पे ऊपर डिपेंड करेगा, जो जो टीम मैंने सिलेक्ट किया, अगर वो टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो मेरा ये जो पैसा है
वो विनिंग होकर विनिंग बैलेंस में आ जाएगा, तब मैं विड्रॉ कर पाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज देकर मैं पार्टिसिपेट किया, अगर हार भी जाऊँ कोई बात नहीं, मेरा रेफरल वाले बैलेंस में 100 रुपीज मुझे मिल गया है। तो गाइस टीम मैंने सक्सेसफुली सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। मैं ज्वाइन में टैप करता हूँ, बोल रहा है कि मतलब 50 रुपीज वाला गेम आप सिर्फ 1 रुपीज देकर ज्वाइन कर पाएंगे। ऑफर का टर्म एंड कंडीशन क्या था, बस 1 रुपीज देकर आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं ज्वाइन जैसे कि मैं रेफर कोड यूज़ किया, इसके लिए मुझे बोनस मिल गया कुछ 4 रुपीज के करीब, और ऊपर देख सकते हो मेरे पास बैलेंस है 53 रुपीज। इसको मैं भी विड्रॉ कर पाऊंगा, वो भी आगे समझाऊंगा, तो ये भी मैं विड्रॉ कर पाऊंगा। ये मेरे जिस फोन से मैंने गेम को ज्वाइन किया वो वाला फोन का डैशबोर्ड है। उसके बाद मैं दूसरे फोन में जहाँ से इन्वाइट किया था उसके इन्वाइट सेक्शन में गया, देख सकते हो गाइस यहाँ पर बोल रहा है कि ऑफर ट्रैक एक बंदे ने आपके लिंक से डाउनलोड किया, उसका यहाँ पर अकाउंट भी सक्सेसफुल हो चुका है, ऐड भी सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पर मैं सक्सेसफुली यहाँ पर क्या करता हूँ, गेम में जाकर ज्वाइन कर लेता हूँ। और ज्वाइन करने के बाद आपको तुरंत ही यहाँ पर दिखाएगा कि जिसको आपने इन्वाइट किया वो बंदा ज्वाइन कर लिया है गेम, तो उसके लिए आपको 101 रुपीज़ मिला है बोनस में। हालांकि वो बोनस नहीं है, उसको आप इंस्टेंट विड्रॉ कर पाएंगे विदाउट गेम प्ले। तो कोई भी गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है, इस पैसे को सिंपली मोर वाले ऑप्शन पर आ जाओ, वहाँ पर विड्रॉल वाले ऑप्शन पर टैप करो, विड्रॉल रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर टैप करने का विड्रॉल कर लो। तो मैं सिंपली मोर वाले ऑप्शन पर टैप कर लेता हूँ, और आपको KYC करना पड़ेगा। हाँ गाइस, या पर आपको जिस अकाउंट से विड्रॉल ले रहे हो उस अकाउंट में आपको KYC कंप्लीट करना जरूरी है। ज़्यादातर फैंटेसी एप्लीकेशन में क्या होगा, इस KYC करना पड़ेगा। तो मैं विड्रॉल में टैप किया, विड्रॉल रिक्वेस्ट में टैप किया, टैप करने का बोल रहा है कि 107 रुपीज़ आपके पास है, पहले से इस अकाउंट पर 6 रुपीज़ था जब मैं इन्वाइट कर रहा था। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर UPID को ऐड कर दिया, उसके बाद कन्फर्म किया, बोल रहा है UPID पहले वेरीफाई करो, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में हम लोगों ने तरफ से एक OTP भेजा गया है, तो OTP यहाँ पर दे दो, वेरीफाई कर दो, आपका ईमेल आपका UPID जो वो वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको KYC करना होगा। KYC करने के लिए आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID या पैन कार्ड, चारों चीज़ों में से किसी एक होगा तो कम बन जाएगा। मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड है, कंटिन्यू करता हूँ। फ़ोन में अगर पिक्चर खींचा हुआ है तो उसे अपलोड करा सकते हो, या तो लाइव भी खींच सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल को अपलोड कर दे रहा हूँ, और मेरे पास आधार कार्ड पहले से ही था, तो मैं आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो और बैक साइड का फोटो दोनों चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ। अगर आपको इनकेस अपलोड नहीं हो रहा है तो आप पहले फोटो खींच लीजिए, उसके बाद फाइल को सिंपली अपलोड कर दीजिए। तो फ्रंट साइड का मैंने अपलोड कर दिया, इसी तरह बैक साइड का भी करिए। अगर इनकेस अपलोड नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए, फोटो जो खींचा हुआ है आपके पास पहले से ही है वो फाइल अपलोड कर दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा इजीली। तो उसका देख सकते हो गाइस, आधार कार्ड, फ्रंट साइड, बैक साइड दोनों चीज़ें मैंने अपलोड कर दिया। सबमिट में जैसे टैप करता हूँ हो गया सबमिट, बोल रहा है कि within 2 मिनट में आपका ये जो KYC है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। 2 मिनट बाद जाकर मैं एप्लीकेशन खोला कि देखा कि KYC हुआ कि नहीं, मेरा डिटेल्स दिखा रहा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, और यहाँ पर पिन कोड दिखा रहा है। सबमिट में मैं टैप करता हूँ, KYC सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर अकाउंट सेक्शन में जाकर भी दिखाता हूँ कि KYC सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, बस 2 मिनट लगेगा KYC सक्सेसफुल होने में। वोटर कार्ड से भी कर सकते हो ये KYC भी वेरीफाइड, सारा चीज़ें वेरीफाइड। अब मैं विड्रॉल लगाने के लिए मेरा अकाउंट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं जाऊंगा विड्रॉल रिक्वेस्ट पे, जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट टाइप कर दूंगा। अवेलेबल में मेरा अमाउंट 107 रुपीज़, 107 रुपीज़ मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पर UPID पहले से सिलेक्ट है, कंफर्म जैसे ही करूंगा ये पैसा जो सीधा मेरे पेटीएम में भेज दिया जाएगा। देख सकते हो विड्रॉल ले लिया, और ऊपर से मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया कि आपके पेटीएम के यहाँ पर पेटीएम अकाउंट में 107 रुपीज़ यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। इंस्टेंट के इंस्टेंट ये लोग विड्रॉल देते हैं। तो ऐसे बस इतना सा आपको करना है, उसके लिए आपको पारक इनवाइट पे आपको 101 रुपीज़ करके मिलेगा। और जो मैंने 50 रुपीज़ ऐड मनी किया, अगर आप ज़्यादा अकाउंट में रेफर करेंगे सारे में 50 रुपीज़ ऐड मनी करेंगे, तो उस पैसे को भी आप बैंक पे ट्रांसफर कर सकते हो, या तो गेम प्ले करके विनिंग करके, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका जो पैसा वहाँ पर फंसा है ऐड मनी का, वो पैसा प्राइवेट कॉन्टेस्ट क्रिएट करके भी बहुत ही आसानी से विड्रॉ कर पाएंगे। जैसे कि आपका मेन अकाउंट है जिसमें KYC सक्सेसफुल हुआ है, जहां पर KYC सक्सेसफुल नहीं है तो वहां पर एक प्राइवेट कॉन्टेस्ट आप क्रिएट कर पाएंगे, जहां पर प्राइवेट कॉन्टेस्ट में आप एक अकाउंट पे यहां पर बहुत ही लो टीम क्रिएट करेंगे और एक अकाउंट पे बहुत ही हाई टीम क्रिएट करेंगे, मतलब जो विन करेगा। तो अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे इसके रिलेटेड, तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। जिनको फैंटेसी एप्लीकेशन में मालूम है उनको तो पता ही है कि कैसे प्राइवेट अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो बहुत ही आसान सा स्टेप है, बस एक बंदे को रेफर कराओ, उसको 1 रुपीज़ देके ज्वाइन कराओ गेम में, उसके लिए आपको 101 रुपीज़ इंस्टेंट मिल जाएगा। वो पैसा इंस्टेंटली आप बैंक पे ले सकते हो बहुत ही चुटकी बजाते हुए। और हाँ गाइस, आगे ऐसे ही ट्रस्टेड वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पे टैप करके जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो मैंने बता दिया, यहाँ पर आपको वेरीफाइड एप्लीकेशन के साथ साथ ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन और कैंपेन वगैरह मिलता रहेगा। तो मस्ट ज्वाइन कीजिएगा, बहुत सारे बेनिफिट आपको वहाँ पर मिलेगा, मस्ट ज्वाइन कीजिएगा। और गाइस ऐसे ही फैंटेसी एप्लीकेशन के बारे में जानने के लिए आप एंड स्क्रीन में देख सकते हो, दो वीडियो मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। गुड बाय गाइस, बहुत अच्छा ऑफर है, मस्ट ट्राई कीजिएगा।